में भी आपका सर, मेरा नाम रवि गुप्ता है। कहाँ कर रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला हूँ मेहुना और जिला भिंड का रहने वाला हूँ मैं। क्या घटना हुई है भैया, बताएंगे आप? आपके साथ मेरे साथ एक फ्रॉड की घटना हुई है। इनकम टैक्स के द्वारा मुझे नोटिस भेजे गए थे 2019 में, और उन नोटिस में मुझसे कहा जा रहा था कि आपके नाम पर एक अकाउंट है और उस अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उनकी जानकारी दीजिए। तो हमने इनकम टैक्स को बताया कि हमारे कोई एक्सिस बैंक में मतलब कोई भी अकाउंट नहीं है, और साथ ही में उन्होंने कहा था कि इसके साथ में आपके नाम पर एक फर्म खोली गई है, और ऐसे ही उन्होंने बताया था कि आपके नाम पर एक डायमंड की फर्म खोली गई है। तो जिसकी जानकारी मैंने उनसे कहा कि जो भी आपके पास जानकारियाँ उपलब्ध हैं, ये जो अकाउंट खोला गया उसकी सारी KYC और सारी डिटेल्स मुझे डॉक्यूमेंटेड तरीके से मैंने 6 बार उनसे मांगा, लेकिन 6 बार में भी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने अंतिम बार 14 दिसंबर 2019 को भी मांगा था, लेकिन उन्होंने उसके 3 दिन बाद ही इनकम टैक्स ने एक नोटिस दिया, ऑर्डर पास किया, जिसमें मुझसे 3.5 करोड़ रुपये का टैक्स जमा कराने के लिए कहा। तो ऐसी परिस्थितियों में जब उन्होंने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए, ऐसी परिस्थितियों में मैंने जब मेरी FIR करने की कोशिश की, तो ये मामला जो था सूरत में मेरे नाम पर हीरे की फर्म रजिस्टर्ड की गई थी, और जो बैंक में जो अकाउंट खोला गया वो मुंबई में था, और उस वक्त मैं इंदौर में जॉब करता था। और उस वक्त जब कई मामला है 2011-12 का मामला है, तब मैं इंदौर में जॉब करता था एक कॉल सेंटर में, और उसी टाइम पे जब एक 2019 का मामला था, 2019 में ये घटना जब चल रही थी इनकम टैक्स के साथ में, तब मैं उस टाइम पे पंजाब रहता था। तो ये अलग अलग स्टेट से जुड़ा हुआ मामला था। मैंने बहुत सारी जगह इसकी कंप्लेंट करने की कोशिश की FIR, लेकिन वो FIR नहीं हो पाई। तो इसके बाद मैंने ऑनलाइन शिकायत की थी महाराष्ट्र पुलिस में, MP पुलिस में, और जिसके बाद भी मेरी कोई FIR नहीं हुई। अब भैया ताज़ा घटनाक्रम क्या हुआ है आपके साथ, बताएंगे अभी अभी? जो अभी ताज़ा घटनाक्रम ये हुआ है कि मुझे 2-3 महीने से कई नोटिस आ रहे थे, जिसमें मुझे जवाब देने के लिए कहा जा रहा था, तो मैंने जवाब भी दिया है, हमेशा हर नोटिस का जवाब दिया है। और इसमें अभी मुझे 28 मार्च को एक और नोटिस मिला है, जिसमें मुझे 113 करोड़ 83 लाख रुपये टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है, जो कि 113 करोड़ का जो टैक्स का मामला है, 113 करोड़ जमा करने के लिए कहा जा रहा है, उस अकाउंट के लिए कहा जा रहा है जो अकाउंट मेरा है ही नहीं। और ये इस बात की पुष्टि एक्सिस बैंक द्वारा भी कर दी गई है, और एक्सिस बैंक ने भी लिख के दिया है कि लग रहा है कि खाता आपका नहीं है, और इसकी जाँच मतलब उसकी जाँच के साथ इसकी जाँच अभी EOW में भी चल रही है। जाँच पूरी होने से पहले ही अगर मुझे इस तरह के नोटिस आएंगे, तो मुझे लगता है कि नोटिस गलत हैं, और मेरे साथ मतलब मेंटली हैरस हो रहा हूँ मैं, परेशान हो रहा हूँ, अपनी जॉब नहीं कर पा रहा हूँ मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ इस चीज़ में। अब आगे आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे इस मामले में? बस मेरी यही कार्रवाई रहेगी कि सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि EOW से और CBI और सेंट्रल एजेंसीज से कि इसकी जांच थोड़े तेज़ी से कराई जाए, जिससे कि मैं इन जो भी है मुझे इसके से मैं फ्री हो पाऊँ, और साथ ही साथ मैं हाई कोर्ट में भी आगे की अप्रोच कर रहा हूँ। तो ये जो घटना हुई आपके साथ, इसकी शिकायत आपने कहीं करी है भैया? जो इस घटना की जो शिकायत है, मैंने पुलिस में भी करने की कोशिश की थी, और ये अलग अलग स्टेट से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण इसकी शिकायत नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो फर्म थी वो सूरत में रजिस्टर्ड हुई है, और एक्सिस बैंक का जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हुआ है मुंबई में। और ये जो इसके साथ ही जब ये मामला जिस टाइम की घटना है जब ये हुआ था, तो उस टाइम पे मैं एक कॉल सेंटर में इंदौर में जॉब करता था, और जब ये 2019 में मुझे नोटिस मिल रहे थे, तो उस टाइम पे मैं पंजाब में जॉब करता था। तो एक अलग अलग स्टेट से जुड़ा हुआ मामला होने के कारण, और मैं परमानेंट निवासी मध्य प्रदेश का हूँ, अलग अलग स्टेट का मामला होने के कारण इसकी शिकायत पुलिस में FIR नहीं हो पाई, लेकिन हमने ऑनलाइन ज़रूर की थी ये कंप्लेंट। और जब भी मेरी FIR नहीं हो पाई, तो फिर मैंने इसकी शिकायत CBI में की थी, और CBI के भोपाल ऑफिस में जाकर की थी। CBI के भोपाल ऑफिस से इस कंप्लेंट को बाद में, चूँकि मामला जो था प्राइवेट बैंक का मामला था, तो उन्होंने इस केस को EOW को रेफ़र कर दिया था, और आगे की कार्रवाई के लिए बोला गया था। तो उसके बाद ये EOW की अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और साथ ही में मैंने इसकी जो शिकायत है वो PMO ऑफिस को भी की थी, जिसके जवाब में मैंने एक्सिस बैंक ने मुझे रिप्लाई में किया है कि रिप्लाई दिया है, जिसमें लिखा गया है कि जो आपके नाम पर टिया ट्रेडर्स के नाम पर अकाउंट खोला गया है, वो अकाउंट आपका नहीं है, जो एक्सिस बैंक ने उनकी जाँच में ही पाया है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और पुलिस में आप कंप्लेंट कीजिए और हम आपके साथ में हैं। तो साथ अभी जो कि हमारी ऑलरेडी कंप्लेंट रजिस्टर्ड थी, तो हमने पुलिस में तो नहीं की कंप्लेंट, क्योंकि पुलिस में पहले ही हमने करने की कोशिश की थी, तो वो मेरी FIR नहीं हो पाई थी, तो EOW भी चल रही है।